स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। बीते 24 घंटे में जो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी थी उसके मुताबिक सढ़ौरा क्षेत्र में कोरोना वायरस के 9 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें तुम्बी गांव से 2, नौसेरा गांव में 3, मुंडाखेड़ा में 2 व फिरोजपुर में 2 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक सढ़ौरा कस्बे में आज किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। हॉस्पिटल सूत्रों के मुताबिक सढ़ौरा कस्बे में इस वक्त 30 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेट रहते हुए अपना इलाज करवा रहे हैं। सढ़ौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 165 लोगों ने अपनी पहली डोज लगवाई। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलपुर में आज 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग में कुल 75 लोगों ने अपनी पहली डोज लगवाई। हॉस्पिटल से मिली जानकारी के अनुसार सढ़ौरा से अभी जो पेंडिंग रिपोर्ट्स है वो 80 लोगों की रिपोर्ट है, यानी जिन लोगों ने अपने कोरोना टेस्ट कराए गए थे उनकी संख्या 80 है, उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। देर रात तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। भगवान से यही प्रार्थना है कि उन सब की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन इस वक्त चौकस है और एकदम से बाजार का राउंड वो ले रहे हैं। SHO दीदार सिंह लगातार फील्ड में रहते हैं, बाजार में रहते हैं। इस वक्त SDM बिलासपुर पुलिस प्रशासन की निगरानी में इस वक्त आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। SHO दीदार सिंह एडम साहब को अगुवाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो बाजार को कवर करते हुए देखते हुए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन चौकस है। इसका एक नमूना SDM बिलासपुर और नायब तहसीलदार भारत भूषण जी और साथ ही दीदार सिंह SHO इस वक्त स्पेशल निरीक्षण पर देखते हुए ASI सुरेंद्र कुमार, SHO दीदार सिंह, SDM साहब और हमारे नायब तहसीलदार भारत भूषण जी इस वक्त इस यानी सतनाम की गली में कुछ रिपोर्ट जो उनको मिली होगी तो उसका मुआयना करने के लिए इस वक्त बाजार में अचानक औचक निरीक्षण के लिए आए हैं। SHO दीदार सिंह तो लगातार ही गश्त करते रहते हैं, ना केवल कस्बे में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी वो गश्त उनकी चलती रहती है। साथ ही हमारे नायब तहसीलदार भारत भूषण जी भी लगातार ग्रामीण क्षेत्र के सहित कस्बे में भी निरीक्षण करते रहते हैं। आप देख सकते हैं पूरा औचक निरीक्षण SDM बिलासपुर द्वारा एवं साथ में SHO दीदार सिंह व नायब तहसीलदार भारत भूषण पुलिस बल के साथ औचक निरीक्षण इस वक्त कर रहे हैं। अब मुख्य बाजार से आगे की तरफ इस वक्त पुलिस प्रशासन SHO दीदार सिंह उनकी पूरी टीम और SDM साहब इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं SDM बिलासपुर कस्बे के बाजार में पूरा औचक निरीक्षण करने के पश्चात इस वक्त SDM बिलासपुर, SHO सढ़ौरा, नायब तहसीलदार सढ़ौरा अब मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, गलियों का निरीक्षण करते हुए मार्ग में। और फिर मुख्य मार्ग पर जो है डेहा बस्ती, वहाँ का भी औचक निरीक्षण पुलिस प्रशासन द्वारा इस वक्त किया जा रहा है, देख रहे हैं। अक्सर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और उस निमित्त ही पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ अब यहाँ डेहा बस्ती के आगे रुक गई है। शाम और सुबह के समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, इसको देखने के लिए ये इस वक्त पुलिस प्रशासन यहाँ पर जुटा हुआ है। SDM बिलासपुर जानकारी इस वक्त ले रहे हैं SHO दीदार सिंह से इस बस्ती के बारे में और कुछ दिशा निर्देश
इस वक्त उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से भीड़ भाड़ को कम किया जा सकता है। दिशा निर्देश में कहा गया कि इस बस्ती का ज़रूर दिन में 2 से 3 बार राउंड लगाया जाए ताकि यहाँ पर लोग जो है इस प्रकार से हताशा इधर उधर घूमते हैं वो लोग सामाजिक दूरी का पालन कर सकें। जब खेल स्टेडियम में काफ़ी संख्या में लोगों को देखा और एहडम बिलासपुर का ध्यान वहाँ पर पड़ा तो उन्होंने अपनी गाड़ी को जो है खेल स्टेडियम की तरफ मोड़ ली और आप देख सकते हैं उनको देखकर जो है जितने भी लोग खेल स्टेडियम बैठे हुए थे खेल रहे थे पतंगबाजी कर रहे थे सभी के सब दीवारें फाँद कर यहाँ से दौड़ गए हैं। एहडम बिलासपुर और SHO दीदार सिंह इस वक्त खेल स्टेडियम का दौरा कर रहे हैं। यहाँ इस मार्ग से गुजरते हुए जब इन्होंने देखा कि काफ़ी संख्या में कुछ लोग यहाँ पर खेल रहे हैं और साथ ही पतंगबाजी कर रहे हैं बैठे हुए हैं ताश वगैरह भी खेल रहे थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी को खेल स्टेडियम की तरफ जो है बढ़ा दिया और आप देख सकते हैं खेल स्टेडियम में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे वो सभी के सभी पुलिस प्रशासन को देख कर यहाँ से 9-2-11 हो गए। काफ़ी संख्या में बच्चे भी थे युवा भी थे हर वर्ग के आयु के लगभग 100 से 150 के लगभग यहाँ लोग थे जो पुलिस गाड़ियों को और पुलिस प्रशासन को देखकर यहां से फरार हो गए। एडियम बिलासपुर की नज़र यहां पर जब पड़ी तो उन्होंने अपनी गाड़ी को खेल स्टेडियम की तरफ मुड़वा लिया। रास्ते में जो राहगीर मिल रहे हैं उनको भी पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं सडोरा BDO ऑफिस के पास ये काफिला पुलिस प्रशासन का यहाँ पर रुका। कुछ लोग सब्जियाँ आदि लेकर जा रहे थे अपने मोटरसाइकिल पर तो पुलिस प्रशासन ने उनको रोका और उनसे फिर पूछताछ की जा रही है। आप कहाँ से आए? इस वक्त पुलिस प्रशासन पटवार थाने की तरफ क्योंकि अक्सर यहाँ से भी खबरें आती हैं यहाँ पर भी भीड़ आदि रहती है लोग एकजुट रहते हैं लेकिन इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा खामोश राहगीरों को भी रोक रोक कर पुलिस वाले जो है इस वक्त उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल सवार से उनको रोक कर पूछा जा रहा है कि भाई आप कहाँ से आए। उनको फिर जो है समझा बुझा कर फिर छोड़ा जा रहा है। तो आप सबसे भी यही प्रार्थना है कि आप बिना मतलब के बाजार में ना निकलें। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है शाम के 5:30 का समय है। इस वक्त कस्बे के मुख्य बाज़ार में आप ये सन्नाटा देख सकते हैं। दोनों तरफ की लगभग सभी दुकानें पूरी तरह से बंद इक्का दिक्का व्यक्ति ही बाज़ार में जो है आ जा रहे हैं आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत ही व्यस्त रास्ता ये रहता है लेकिन अब पूरी तरह से खामोशी इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ से गुजर रहा है। दो बजे से पूर्व क्योंकि करियाने की दुकानें दूध डायरी मेडिकल शॉप वगैरह वो खुली रहती हैं
तो उस वक्त ज़रूर कुछ भीड़ इस बाज़ार में देखने को मिल जाती है, मगर उसके बाद पूरी तरह से खामोशी यहाँ पर छाई रहती है। लोगों की तरफ से यह भी मांग उठाई जा रही है कि अगर दूसरी दुकानों को भी एक दिन खुलने का मौका कुछ घंटे के लिए मिले तो लोग उनसे ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। जिस दिन वो खुलें तो उस दिन करियाना व जो तयशुदा दुकानें हैं वो खुलती हैं, उनको बंद रखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से भीड़ भी उतनी रहेगी और दूसरी दुकानों को भी अपनी दुकानदारी करने का मौका मिलेगा और साथ ही लोगों को अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने का अवसर मिल जाएगा। तो प्रशासन इस बारे में योजना बना सकता है, अन्य दुकानदारों को भी एक दिन कुछ घंटे के लिए उनको खोलने का अवसर प्रदान कर सकते हैं ताकि बाज़ार में भीड़ भी ना रहे और लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान भी मिल जाए और लोगों की दुकानदारी भी चल पड़े। ऐसा विचार करना चाहिए, लोगों की भी मांग है, दुकानदारों की मांग भी है, इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। बाकी जिस प्रकार से अभी भी सोडारा क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं, उसी हिसाब से अभी भी हम सबको जागरूक रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी।